बच्चों, आज हम क्लास इलेवेंथ में आपको अनसीन पैसेज के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, अनसीन पैसेज में क्या रहता है, एक आपको फॉर्मेट दिया जाता है, इस फॉर्मेट के बिहाव पर हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको नीचे दिए हुए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उनके क्वेश्चन को देना है। मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। इन मॉडर्न वर्ड ऑनेस्टी इज हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग। आधुनिक, मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक। ऑनेस्टी यानी क्या आ गई, ईमानदारी। ईमानदारी यानी ऑनेस्टी ने अपनी ईमानदारी को छोड़ दिया है। वेल्थ प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मींस ऑफ मींस लाइफ टुडे। आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसकी होगी है, वेल्थ। वेल्थ यानी धन की, रुपया पैसा ऐश्वर्य इनकी होगी। वैल्यू ऑफ मनी हैज गॉन हाई, जो रुपए का है वो उसने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। एवरी वन वॉन्ट्स टू बिकम रिच विदाउट हार्डवर्क, सभी लोग बिना हार्डवर्क करे हुए क्या करना चाहते हैं, रईस होना चाहते हैं। He does not hesitate to adopt any means at all to become rich. Hesitate यानी संकोच करना, है ना, संकोच, ठीक। तो इसमें से क्या होता है कि कोई भी ये लोग hesitate हुए बिना या बिना संकोच के पैसा कमाना चाहते हैं। But still some people appreciate honesty. Appreciate यानी बढ़ाई करना, फिर भी आज बहुत सारे लोग बढ़ाई करते हैं ऑनेस्टी की यानी ईमानदारी की। ईमानदारी की सभी लोग बढ़ाई करते हैं। ऑल रिलीजन ले डाउन ग्रेट स्ट्रेस ऑन ऑनेस्टी। रिलीजन यानी धर्म, सभी धर्म ऑनेस्टी के ऊपर या ईमानदारी के ऊपर बल देते हैं। An honest man is always brave. जो honest man होता है, ईमानदार आदमी होता है, वो हमेशा कैसा होता है, brave यानी बहादुर होता है। He is not afraid of anything. Afraid of यानी डरना। वह किसी से नहीं डरता है। He is truthful and liked by everyone. वह हमेशा सच्चा होता है और उसे सभी लोग पसंद करते हैं। ऑन द अदर हैंड लायर यानी झूठा आदमी, ग्रीडी, लालची और कनिंग, कनिंग यानी चालाक, चालाक पीपल अर्न मोर मनी बट दे आर नॉट लाइक बाय द पीपल। जबकि जो आदमी झूठ होते हैं, लालची होते हैं, चलाक होते हैं, उनके पास पैसा तो बहुत होता है बट दूसरे लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। ऑनेस्टी शुड मेंटेन एवरी वेयर एट होम, इन स्कूल, अमंग फ्रेंड एंड इवन इन प्ले ग्राउंड। ऑनेस्टी को सभी जगह मेंटेन किया जाता है, इवन घर में, स्कूल में और खेल के ग्राउंड में भी। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज ओवे द लॉ सो ही इज फ्री फ्रॉम सीरियस ट्रबल। जो ऑनेस्ट ईमानदार पर्सन होता है वो सभी, ओवे यानी अपनाना, है ना, अपनाना, वो सभी रूल को अपनाता है। एंड ही इज फ्री फ्रॉम सीरियस ट्रबल, और वह गंभीर समस्याओं से मुक्त होता है। ऑनेस्टी ऑलवेज ऑल्सो गिव्स राइज टू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल का मतलब होता आध्यात्मिक, आध्यात्मिक यानी क्या हो गया आपके पास,
ऑनेस्टी ईमानदारी हमें आध्यात्मिक ताकत भी देती है. सो वन टेक अप एनी चैलेंज विथ कॉन्फिडेंस. इसलिए वह किसी भी चैलेंज को लेने के लिए कॉन्फिडेंस रहता है. यानी आपके पास क्या होगा, कॉन्फिडेंस मैंने आत्मविश्वास. ऑन द अदर हैंड डिसऑनेस्ट पर्सन कैन नेवर बाय श्योर ऑफ एनीथिंग. जबकि जो डिसऑनेस्ट बेईमान आदमी होता है वह किसी भी चीज में निश्चिंत नहीं होता है. ही इज ऑलवेज बिजी इन प्लॉटिंग. वह कुछ ना कुछ क्या होता है, मैनिपुलेशन, कुछ ना कुछ करने में क्या होता है, बिजी रहता है. सो ही नेवर गेट्स पीस. इसलिए उसको शांति नहीं मिलती है. एन ऑनेस्ट मैन इज रिवॉर्डेड विद सक्सेस. ऑनेस्ट आदमी को या ईमानदार आदमी को ठीक है सफलता ही उसका रिवॉर्ड होता है. ही इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड. उसको हमेशा क्या हो जाता है, अप्रिशिएट यानी क्या हो गया आपके पास, यानी उसकी बढ़ाई मिलती है. उसको हमेशा बढ़ाई मिलती है. ही गेट्स लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर. वह दूसरों से प्यार और सम्मान पाता है. ठीक है, ये मैंने आपको तो बताया हुआ है. अब अनसीन पैसेज में क्या होता है, यही पढ़ना रहता है और जो लिखा रहता है और लास्ट में आंसर दिए रहते हैं उनको हमें सॉल्व करना होता है. तो आप देखिए, मैं दो क्वेश्चन इसके दे रहा हूँ, है ना, इसको बता देता हूँ, आप इसको करिएगा. रीड द अबव पैसेज केयरफुली एंड मेक्स नोट्स ऑन इट. इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और तीन या चार लाइन में आपको इसका नोट्स बनाना है कि अपने शॉर्ट में कर लीजिए. जैसे द पैसेज टेल्स अबाउट honesty, honest people are always brave and he sleep well at night, but dishonest person always fight and blamed by other. So honesty is more important. That's the short note on this passage. Apply a suitable title and write a summary of the passage. ठीक है, आप इसकी समरी जो मैंने बताई वैसा भी लिख सकते हैं. और सूटेबल टाइटल इसका क्या हो सकता है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द वेल पॉसिड. ठीक है, ऑनेस्टी इज अप्रिशिएटेड एवरीवेयर. जो आपको अच्छा लगे उसका एक टाइटल नोट करके लिख लीजिएगा. ठीक है, इसको इतना नोट करिएगा.